जैसे बच्चे की जो सूचना है मुझे, मैं जैसे जो हरियाणा से बच्चे गुम हो जाते हैं उनको CCIU में मैंने ग्रुप भी बना रखा है, उनसे पूछता हूँ भाई कोई बच्चा हरियाणा का तो नहीं है, तो वहाँ पे मैं उस संपर्क में था तो इस बच्चे का मेरे पास फ़ोन आया कि सर मैं वहाँ रहता था, ऐसे ऐसे आपने पहले भी एक बच्चा वहाँ मिलवाया है, आप मेरा घर तलाश करो। मैत्रिक जो गांव है इसका मदनपुर है, बालाघाट मध्य प्रदेश में, वहाँ के रहने वाले, चाचा से बात करी, इसके भाई से बात करी, इसके दादा से बात करी, उनको वीडियो कॉल कराया, उनकी सभी पहचान कराई, फिर इसका मामा बोला भाई मैं इसको चल पड़ाऊँ लेने के लिए। इस केस में सर मेरे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जब भी मैं इनको कॉल करता है बताता ये जाके थाने पहुंच जाते हैं, कभी किसी पुलिस स्टेशन में, कभी किसी पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पे कह रहे भाई ये कोई किडनैपर तो नहीं है, तो हमारा मैं बोला भाई कोई तुम्हारे कोई डिमांड थोड़ा है या कुछ है। परिवार तो दूर होंदे दा दुख तो जरूर लगता है, पर जो परिवार को कोई मिलता है तो खुशी बहुत होंदी है। तस्वीर तुम देख चुके, एक बच्चा जो बीते कई सालों तो गुम से अज अपने परिवार नाल मिलिया, तो अर्जुन नाम उस बच्चे का, देख सकते हो बच्चा साडे नाल मौजूद है। इन्हों मिलाने दे विच इंस्पैक्टर राजेश कुमार ने, जो ASI ने हरियाणा पुलिस, उन्होंने पूरी कोशिश की, इस तो पहला होर भी कोशिश कर चुके हैं, गलबात कर रहे हैं। राजेश जी तुम ASI हो, उतो एक काम किया शुरू, एक चंगा रहा पहला भी पहल की, तो की सबब किमें बने? मेरे नाम ASI राजेश कुमार है, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला हरियाणा। ये जो कार्य कर रहे हैं हमारी ADGP मैम है ममता सिंह, उसके दिशा निर्देशों पर बच्चों को परिवार तक पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। इस बच्चे की जो सूचना है मुझे, मैं जैसे जो हरियाणा से बच्चे गुम हो जाते हैं उनको CCIU में मैंने ग्रुप भी बना रखा है, उनसे पूछता हूँ भाई कोई बच्चा हरियाणा का तो नहीं है, तो वहाँ पे मैं उस संपर्क में था तो इस बच्चे का मेरे पास फ़ोन आया कि सर मैं वहाँ रहता था, ऐसे ऐसे आपने पहले भी एक बच्चा वहाँ मिलवाया है, आप मेरा घर तलाश करो। तो इसने अपना नाम, पापा का नाम और एक माली गाँव बताया, उसका आधार बनाकर मैंने इसको सर्च करना स्टार्ट कर दिया भाई वहाँ कैसे लोग थे, कैसे कपड़े पहनते थे, वहाँ स्कूल था, कुछ छोटे छोटे कलू वो मैंने अपने रजिस्टर में नोट किए और इसको ढूंढना स्टार्ट कर लिया। तो मैंने इस बच्चे को परिवार सर्च किया, इसके जो ये माली गाँव बताया था, इसके मामा गाँव था, तो वहाँ के जो समझ लोगों से संपर्क किया भाई ऐसा कोई राजेश नाम से कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे, वो बोला जी हमारे गांव में एक है, उसकी बहन और उसका बेटा गुम हुए थे आज से 10 साल पहले। तो फिर मैंने इसके जो लड़के का नंबर लिया, राजेश से बात की, फिर उन्हें कुछ पुरानी बातें मैंने पूछी और भाई ऐसे ऐसे जो चीज़ें मैच हो गई, और जो इनसे मैंने प्रूफ मांगे भाई कोई राजेश जो है तुम्हारे जो जीजा जी थे अर्जुन चंदेल उनका कोई प्रूफ भेजो, बच्चे का कोई प्रूफ भेजो, इन्हें भेजे, वो सारी चीज़ें मैच हो गई। फिर उन्होंने बताया कि ये पैतृक जो गांव है इसका मदनपुर है बालाघाट मध्य प्रदेश में, वहाँ के रहने वाले, चाचा से बात करी, इसके भाई से बात करी, इसके दादा से बात करी, उनको वीडियो कॉल कराया, उनकी सभी पहचान कराई, फिर इसका मामा बोला भाई मैं इसको चल पड़ाऊँ लेने के लिए। तुरंत इसका मामा उसी टाइम चल पड़ा और आज ये यहाँ पे पहुँचा, बच्चा वहाँ पे महाराष्ट्र से, ये जो है पूना में रहता था, वहाँ से यहाँ पंचकुला है, आज ये दोनों इसका मामा और बेटा दोनों अपने परिवार से मिले हैं ये, और 10 साल के बाद अपने परिवार में जा रहे हैं। ये 10 साल बाद तो अपने परिवार में जा रहा है, आप मिला रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, आपको कितनी प्रॉब्लम आई इसमें? इस केस में सर मेरे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जब भी मैं इनको कॉल करता है बताता ये जाके थाने पहुँच जाते हैं, कभी किसी पुलिस स्टेशन में, कभी किसी पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पे कह रहे भाई ये कोई किडनैपर तो नहीं है, तो हमारा मैं बोला भाई कोई तुम्हारे कोई डिमांड थोड़ा है या कुछ है, मैं तुम्हारा बच्चा है, इसको वीडियो कॉलिंग कराया, पहचान कराई, कुछ वो कराया। फिर उन लोगों ने यहाँ पे एक बंदा है कोई जानने वाला, उनको भेजा, उन्होंने वहाँ वेरीफाई किया भाई ये राजेश पुलिस वाला है, फिर वो लोग वेरीफाई करे, फिर इसका मामा तो चल पड़ा था, उसके जो चाचा के लोग हैं वो नहीं आए, इसका मामा ये आया, ये बोले भाई हमने पूरा विश्वास है और हम लोग इसको लेना है, वो बोले भाई हमारा तो बहन भी गुम हो गई, वो बोला कि हमारी भाभी भी गुम हो गई, वो ये कैसे आ गई, ये कहाँ से आ गए, तो उनको कई ये दिक्कतों का सामना करना, कभी किसी का एक दिन में 20-20, 30-30 फ़ोन आते थे, कभी किसी का, कभी किसी का, इससे बात कराओ, उससे बात कराओ, मैं भाई एक केस के चक्कर में और बच्चे रह जाएंगे, तो ये चीज़ें हैं सर। बड़ी बात है, पुलिस को भी खुद की वेरिफिकेशन देनी पड़ी। हाँ ये भी देखो आप, तो मैंने इसको पूरा डिटेल बताया, इसको दिखाया, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि बच्चा मिल गया, उनको लग नहीं रहा था कि भाई 10 साल के बाद भी कि भाई ऐसे भी कोई पुलिस करती है, उनका यकीन नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने विश्वास किया, आज उसका मामा आए और ये परिवार तक जा रहा है। सो 10 साल के बाद बच्चा परिवार को मिलने गला। अर्जुन उस समय क्या हुआ था जब आप गुम हुए थे, कुछ याद? किस समय सर? जब आप गुम हुए थे स्कूल का, स्कूल में था ना? हाँ। क्या था उस समय? स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। हाँ स्कूल में पढ़ रहा था, पहली या दूसरी पढ़ रहा था, उसके बाद मम्मी फिर
बोली मतलब चल जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे बोल के, तो फिर पैक उक किए सामान वान मम्मी और फिर मेरे को लेकर चले गई। फिर ट्रेन में आए इधर बिलासपुर स्टेशन में आए। उसके बाद मम्मी तो उधर खाना लेने चले गई थी, तो मेरे को बोली पानी लेने जा स्टेशन पे ही। हाँ स्टेशन में ही, तो मैं गया था पानी लेने। तो वहाँ सर वो चार लेन वाले सर आए एक, वो मेरे से पूछे कि मतलब कहाँ रहता है बेटा बोल के, तो मैं कुछ नहीं बता पाया, चुप था। तो वो सीधा मेरे को पकड़े और बोले चल मेरे साथ बोल के, और हॉस्टल में डाल दिए। फिर हॉस्टल में ही रहा, 8-9 साल तक रहा था मैं। उसके बाद फिर मतलब भागा भी था एक बार हॉस्टल से, मतलब मम्मी खोजने के लिए। तो फिर गया था बिलासपुर स्टेशन, वहीं जहाँ मम्मी थी वहाँ देखा तो मम्मी नहीं मिली। फिर दोबारा वहाँ हाँ फिर चले गया हॉस्टल वापस। उसके बाद फिर काम कर रहा था पुणे में, काम कर रहा था अभी 1 साल हुआ काम करते हुए। उसके बाद सर जी संपर्क किया राजेश सर जी से कि सर मेरा घर खोज दिए जी बोल के, तो फिर सर अभी मिलवा दिए मेरे मामा से मेरे घर परिवार से। राजेश जी से संपर्क कैसे हुआ, कैसे आपको पता लगा? नहीं वहाँ मतलब वहाँ रह रहा था ना जांजगीर चांपा में, वहाँ के अधीक्षक सर सर जी के नंबर रखे हैं, उन्हीं से पहले बात किया। तो बोले सर हाँ एक सर है राजेश सर नाम के, वो आपके घर खोज देंगे। तो फिर उन सर नंबर दिए मेरे को, फिर मैं सर से संपर्क किया। उसके बाद फिर सर मेरे घर खोज दिए। वहाँ पे स्टडी भी की? हाँ पढ़ाई भी की? हाँ पढ़ाई की, पहले दूसरी तक की थी सर। हाँ नहीं उसके बाद हॉस्टल में पढ़ा 10वीं तक। हाँ मामा से मिले थे, तो कैसा खुशी हो रही है इतने सालों बाद बच्चा घर आया? बहुत इसका शुक्रिया, मेरा भांजा मिला है बहुत साल के, 10 साल के बाद सर ऐसा है। बहुत बिल्कुल 10 साल के बाद भांजा मिला, बहुत दुख झेले होंगे आपने। जब आपको पता लगा कि ये मेरा भांजा वापस आ रहा है तो कैसे ये मम्मी है ये पप्पा इनका? हाँ जी ये मेरा शादी का ये लाया हो फोटो वगैरह। तस्वीरें आप साथ लेके? हाँ साथ लेके लाया, और एक तस्वीर तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरह मामे के ब्याह दी तस्वीरें ने। सो मतलब इसके मम्मी पापा हैं साथ में? मेरी शादी का फोटो है ये। हाँ ये छोटेपन का है सर, ये इनके छोटे हुए की तस्वीर है। हाँ ये छोटेपन का, सो अर्जुन दी छोटे हुए दी तस्वीर देख सकते हो। सो ज़्यादा फर्क नहीं है? तो राजू भैया ने ये भेजे फोटो ये मोबाइल द्वारा, ये फोटो फिर अब भेजी थी। हाँ, ये बड़ी, ये तो वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, देख सकते हो कि तस्वीरें ने जो भेजी गई ने वेरिफिकेशन करने के लिए। तो आपको जब पता लगा कि आपका भांजा वापस आ गया तो कैसा था रिएक्शन? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मिला है इन्हें राजेश भैया ने मोबाइल द्वारा, हमारे लड़के के मोबाइल में इन्होंने कांटेक्ट किए, तो बहुत बहुत राजेश भैया को धन्यवाद। सोचते थे कि मेरा भांजा वापस आ जाएगा? वापस आ जाएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा मेरे को, अच्छा शुक्रिया लगेगा अच्छा। तो साथ में महाराष्ट्र लेके जाओगे? हाँ महाराष्ट्र आमगाँव जिला गोंदिया मालिका रहने वाला हूँ मैं, घर पर टोला। देख सकते हो कि किस तरह परिवार को जो खुशी होती है जिस तरह उन्होंने बच्चा गुमया बच्चा जो 10 साल तकरीबन दसाया जा रहा कि 10 साल परिवार तो दूर रहा, 10 साल बाद अज परिवार के नाल मिल रहा। सो पुलिस की एक चंगी पहल भी ये कह सकते हैं कि पुलिस वालों इस तरह के जो काम हरियाणा पुलिस वालों किए जाते हैं, पर कितने ना कितने पुलिस को खुद ही वेरीफिकेशन भी देनी पई। पंचकूला तो कैमरा परसन ललता के नाल रवि जाकू।